तुम्हारी सरकार क्यों नहीं हो सकती? तुम्हारी सरकार भी हो सकती है अगर तुम लोगों को अपने पास लेकर आओगे। जब तुम लोगों को अपने पास ही नहीं बैठाओगे, अपने पास बुलाओगे नहीं, अपने साथ सम्मान से उनको भागीदारी नहीं दोगे, तो कौन तुम्हारे साथ आएगा? दूसरे जगह जाएगा जाएगा। तो आपको अगर मुख्यमंत्री बनना है, आपको अगर प्रधानमंत्री बनना है, बहुजनों का राज लेकर आना है, तो आपको ऐसी सोच बनानी पड़ेगी, माननीय काशीराम साहब जैसी सोच बनानी पड़ेगी, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जैसी सोच बनानी पड़ेगी। तो इस देश के अंदर ये मुमकिन नहीं है कि इस देश में बहुजन प्रधानमंत्री। देखिए, हर चुनाव में हर पार्टी के लिए मुश्किल होती है, कितनी मुश्किल रहेंगी कितनी आसान रहेंगी ये बताना तो मुमकिन नहीं है मेरे लिए, क्योंकि हर पार्टी के लिए मुश्किल होती है, हर पार्टी के लिए एक नया चैलेंज होता है। 2024 डेफिनेटली मुश्किल का समय है और पार्टी तैयारी कर रही होगी, जो भी पार्टी तैयारी कर रही है तो उसके लिए आगे बढ़ने के लिए सब काम कर रहे हैं। जिस दौर से बीएसपी गुजर रही है तो क्या लगता है कहां पर खड़ी है 2024? देखिए, 2024 अभी दूर है, तैयारी कर रही है पार्टी, पार्टी के लेवल से तैयारी है। हम तो पार्टी के लिए जितनी ताकत लगा सकते थे हमने लगाई है, और हमने ओपन भी बोला था उनकी कि हम पार्टी में जितने भी हमारी मदद की जरूरत है हम करेंगे, तो उन्होंने जितनी मदद लेनी थी ली हमारी, और आगे भी अगर उनको जरूरत मदद की पड़ेगी तो हम जब भी देंगे। तो अब पार्टी कहाँ खड़ी है कहाँ नहीं खड़ी है तो पार्टी के लोग जानेंगे, जो पार्टी के शीर्ष नेता वो जानते हैं कि कहाँ पार्टी खड़ी है कहाँ पार्टी नहीं खड़ी है। तो अब 2024 में पार्टी का क्या होगा, 2024 में तो उसका मैं जवाब पूरा तरह से नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि पार्टी वाले लोग ही बता। आपने कहा भी तो दूर समय, बीजेपी ने तैयारी करती बहुत टाइम से 2024, क्यों दूर लग रहा है? देखो, बीजेपी के समय है, हर पार्टी का अलग अलग काम करने का तरीका है। बीजेपी का काम करने का तरीका अलग है, कांग्रेस का काम करने का तरीका अलग है, बहुजन समाज पार्टी का काम करने का तरीका अलग है। तो कौन कितनी जल्दी तैयारी करता है, कौन कितने बाद में तैयारी करता है, तो वो बड़े नेता हैं जो पार्टी चला रहे हैं वही बता पाएंगे। अब मेरे जैसा एक छोटा सा कार्यकर्ता कैसे बता पाएगा कि भैया क्या तैयारी करनी है क्या तैयारी नहीं करनी है? हाँ, हमसे तो जितनी मदद की जरूरत होती है हम करते हैं, मदद करते हैं, जब जब भी बुलाते हैं, जब जब भी उनको जरूरत पड़ती है तो हमारा फ़ोन उठाते हैं, और जब जरूरत नहीं पड़ती तो फ़ोन बंद कर लेते हैं। तो हम तो जितने भी लोग हैं, जैसे भी लोग हैं, एक्टिविस्ट लोग हैं, वो सिर्फ पार्टी के लिए, हम तो सोशल परिवर्तन के लिए, सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम आर्थिक मुक्ति की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें बहुजन समाज पार्टी भी एक पार्ट है। अगर बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आती है तो डेफिनेटली जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, जो बाबा साहब का सपना था इस देश के अंदर, जो मानव काशीराम साहब का सपना था, उसको आगे बढ़ाने के लिए डेफिनेटली वो हमारा सहयोग करेगी। आपको नहीं लगता कि आप पार्ट टाइम राजनीति नहीं करेंगे, फुल टाइम करेंगे? नहीं, फुल टाइम लोग फुल टाइम ही राजनीति करते हैं, पार्ट टाइम कौन राजनीति कर रहा है, फुल टाइम ही करते हैं जो भी कर रहे हैं। उनको लगता होगा कि भाई ऐसे काम चल जाएगा तो वो चला रहे हैं काम। अब उसमें मैं क्या कमेंट्स करूं कि उनको क्या करना क्या नहीं करना, क्योंकि मेरे कुछ कहने से तो बदलाव होगा नहीं, मेरे कहने से कोई बदलाव ज्यादा होने वाला नहीं है। अब कोई अगर कोई मेरे से कोई सलाह नहीं मान रहा तो मैं खामोखा सलाह देने लगूं उसको, तो ये भी सही बात नहीं है। अगर कोई सलाह मांगेगा मेरे से, कुछ अगर मेरे से बात होंगी तो मैं बताऊंगा कि क्या करना है, क्या परिवर्तन होना चाहिए, कौन किस किस को लोग लेंगे। जब जब भी उन लोगों ने सलाह मांगी है या हमारी सहयोग की जरूरत पड़ी है तो हमने दिया है और आगे भी हम देंगे। रही बात लड़ाई की, लड़ाई हमारी सिर्फ बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में लेके आना नहीं है, लड़ाई हमारी जो है वो सामाजिक परिवर्तन आर्थिक मुक्ति की लड़ाई है, लड़ाई हमारे सम्मान की लड़ाई है, लड़ाई है संविधान को बचाने की लड़ाई है। तो वो सड़कों पर हमेशा चलती रहेगी, चुनाव हो या ना हो। सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई है, लेकिन गलत कहने में आप लोगों को डर लगता है? नहीं, बिल्कुल नहीं लगता। कहाँ लगता है डर, हमने तो हमेशा कहा है, हमारी तो पहचान ही है गलत को गलत कहने के वाली बात है। हम तो हमेशा ही कहते हैं, जब भी कोई गलत करता तो कहते हैं हम लोग, ऐसा नहीं कि नहीं कहते हैं। बहुजन समाज पार्टी में या किसी भी पार्टी, हमारी जो पार्टी जिसको हम सपोर्ट करते हैं, अगर गलत होता तो हम कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। हमने कहा कि नौजवानों की भर्ती होनी चाहिए, नौजवान आने चाहिए, नौजवान आए। बहन कुमारी मायावती ने हमारी बात को मानने काम किया, तो पहले से ही वो कर रही हैं, 50% नौजवान आ रहे हैं। जिन जिन लोगों को हम मिलाने गए थे उन लोगों को मान सम्मान दिया, सब कुछ दिया, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। जब जब भी पार्टी को जरूरत होती है, जब जब हम लोग काम करते हैं, पार्टी को अगर जरूरत होगी हमारी तो डेफिनेटली हम तैयार हैं पार्टी में काम करने के लिए या पार्टी में और भी कुछ काम करने के लिए। बहन जी ने अभी कहा कि मैं सपा का कभी सीएम नहीं बन सकता, किस आधार पर? देखिए, पार्टी में तो ऐसा है कि दूसरी पार्टी के सीएम क्यों बनने देगा, कोई पार्टी दूसरे पार्टी को क्यों जीतने देगी? बिल्कुल बहन जी ने कहा, पार्टी में तो यही लड़ाई है कि भाई सीएम बनेगा तो हमारा बनेगा, दूसरे क्यों बनने देंगे? सही तो कहा उन्होंने कि हम क्यों बनने देंगे किसी को, हम तो योगी को भी नहीं बनने देंगे आने वाले समय में। ऐसी रणनीति बननी चाहिए, बिल्कुल अच्छा कहा, ये तो पॉजिटिव बात है कि अगर बनेगा तो हमारा बनेगा, नहीं किसी को नहीं बनने देंगे। तो अगर जो चुनाव होगा, अगर बहन कुमारी मायावती लोगों को तैयार करेंगी, सारे नेताओं को तैयार करेंगी, ईमानदारी से काम करेंगे, तो सिर्फ हमारा सीएम बनेगा और कोई नहीं बनेगा। और बहन जी ने कहा कि मैं राष्ट्रपति बनने का सपना नहीं देख सकती हूँ, मैं या तो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख सकती हूँ या मुख्यमंत्री बनने का सपना देख सकती हूँ। बिल्कुल अच्छा कहा, पूरा देश का दलित
पूरे देश का अम्बेडकरवादी, पूरे देश का गरीब, पूरे देश का किसान, पूरे देश की महिलाएं और पूरे देश के वो लोग जो अमन चैन पर विश्वास करते हैं, पूरे देश के वो लोग जो संविधान पर विश्वास करते हैं, बहन कुमारी मायावती को इस देश का प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। अफसोस कि उस दिशा में अच्छी तरह काम नहीं हो पा रहा है। अगर अच्छी तरह काम हो तो वो दूर दिन दूर नहीं है कि बहन कुमारी मायावती इस देश की सबसे अच्छी प्रधानमंत्री बन सकती है। लेकिन सर, जब से बीएसपी चुनाव हारी है यूपी में बड़े पैमाने पर, दलितों पर बहुत अत्याचार होने लगे हैं उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में। देखो, दलितों पर अत्याचार की अगर बात की जाए तो दलितों पर अत्याचार सिर्फ पार्टी के होने ना होने से नहीं होते हैं, एक सोच है। जब जब भी एससी एसटी ओबीसी के लोग अपने अधिकारों की बात करते हैं, सम्मान की बात करते हैं, बराबरी की बात करते हैं, तो जो दूसरे लोग हैं जो कथाकथित शरण अपने आप को बोलते हैं, उनके अंदर एक ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है कि उनको अच्छा नहीं लगता है और वो अत्याचार करते हैं। ये अत्याचार ढाई हजार साल से चलता आ रहा है। इस अत्याचार का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए लोग तैयार हो रहे हैं। हम गाँव गाँव जा जाकर लोगों को तैयार कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, लोगों को एडवोकेट्स बना रहे हैं, लोगों को फाइटर्स बना रहे हैं, लोगों को हम एक्टिविस्ट बना रहे हैं और लोगों को लोगों के माध्यम से घर घर तक ये मैसेज पहुंचाने का काम कर रहे हैं कि आपको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ना है और जैसा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भारत बनाना चाहते थे, ऐसा भारत बनाने के लिए आपको संघर्ष करना है। तो जब तो बात बन पाएगी, फिर कोई आपका अत्याचार नहीं करेगा, फिर आपको कोई घोड़ी से नहीं उतारेगा, फिर आपको कोई आपका शोषण नहीं करेगा, फिर गाय के नाम पर आपको कोई नहीं मारेगा। गाय के नाम, गाय को पूजने वाले सबसे ज्यादा लोग आपको, मंदिर में सबसे ज्यादा लाइन लगाने वाले लोग आपको, और मंदिर में आपको घुसने नहीं दिया जाता है। तो सोचना चाहिए ना उन लोगों को भी जिन पर अत्याचार हो रहा है, उनको भी सोचना चाहिए कि भाई मंदिर में सबसे ज्यादा लंबी लाइन हमारी होती है, कावड़ में सबसे लंबी लाइन हमारी होती है, और जब कावड़ का जल चढ़ाना होता तो मंदिर में पंडित नहीं चढ़ने दिया जाता है, पंडित हमको मना कर देता चढ़ने से। तो ये सोचना चाहिए उन लोगों को, अगर वो नहीं सोचेंगे तो अत्याचार होता रहेगा। जिन लोगों ने सोच लिया है, जो लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के उस कथन को मान गए हैं 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर के अंदर कि आपको बुद्ध रास्ते पर, बौद्ध के रास्ते पर चलना है, वो लोग सुरक्षित हैं, वो लोग सम्मान से जिंदगी जी रहे हैं, वो लोग टाई पैंट कोट पहनकर अपने आराम से जिंदगी जी रहे हैं और लोगों को तैयार करने का काम कर रहे हैं। अपने भाइयों से कह रहे हैं कि आप भी इस श्रेणी में आ जाओ, आप भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की श्रेणी में आ जाओ, आप भी बौद्धिस्ट बन जाओ, आप भी अम्बेडकरवादी बन जाओ। मगर वो कहते ना जी ना, हमें डर लग रहा है, हमें डर लग रहा है कहीं कुछ भगवान कर ना दे, कहीं हनुमान कुछ ना कर दे, कहीं कृष्ण कुछ ना कर दे, कहीं राम कुछ ना कर दे, कहीं सीता कुछ ना कर दे, कहीं भगवान ने कर दे। और वो भगवान कौन है? इन ब्राह्मणों ने मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा कर दी है, भाई मूर्ति के अंदर प्राण घुसा दिए हैं, तो वो मूर्ति से कहते हैं कि ये कुछ करना दे। तो डर का माहौल बना रखा, डर का धंधा है, ये डर निकालने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। जिसके अंदर से डर निकल जाता है वो मुक्त मानव बन जाता है, वो बुद्ध बन जाता है, बुद्ध के रास्ते पर चलने लगता है, अम्बेडकरवादी बन जाता है। ऐसे लोग अगर देश के अंदर बन जाएंगे तो अत्याचार कम होगा, नहीं तो अत्याचार कम नहीं। बहुजन शासक कैसे बहुजन शासक इस देश में आसानी से बन सकता है, क्योंकि 85% जनसंख्या बहुजनों की जनसंख्या है, सिर्फ उनको इकट्ठा करना है। मानव काशीराम साहब ने जो फार्मूला दिया था, मानव काशीराम साहब ने उत्तर प्रदेश में 4 मुख्यमंत्री बनाकर यह साबित कर दिया है कि वो फार्मूला मतलब सटीक फार्मूला है, और उस फार्मूला पर पूरे देश के अंदर हम सरकार बना सकते हैं। बहन कुमारी मायावती इस फार्मूला को लागू करें, बहुजन समाज पार्टी के लोग फार्मूला को लागू करें और अपना प्रधानमंत्री बनाए। जिस 85 की बात करते, 75 तो बीजेपी के साथ है। बीजेपी के साथ तो पहले तो नहीं थे, बीजेपी ने ले लिए, तुम्हारे साथ भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि वह परमानेंट चले गए, पहले तो नहीं थे। जब पार्टी बनी थी 84 में 2 थी मात्र उनकी, आज उनकी सरकार है। तो ऐसा नहीं है कभी कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, तुम्हारी सरकार क्यों नहीं हो सकती? तुम्हारी सरकार भी हो सकती है अगर तुम लोगों को अपने पास लेकर आओगे। जब तुम लोगों को अपने पास ही नहीं बैठाओगे, अपने पास बुलाओगे नहीं, अपने साथ सम्मान से उनको भागीदारी नहीं दोगे, तो कौन तुम्हारे साथ आएगा? दूसरे जगह जाएगा जाएगा। तो आपको अगर मुख्यमंत्री बनना है, आपको अगर प्रधानमंत्री बनना है, बहुजनों का राज लेकर आना है, तो आपको ऐसी सोच बनानी पड़ेगी, मानव काशीराम साहब जैसी सोच बनानी पड़ेगी, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जैसी सोच बनानी पड़ेगी। तो इस देश के अंदर ये मुमकिन नहीं है कि इस देश में बहुजन प्रधानमंत्री ना बने। तो बीएसपी सम्मान भागीदारी नहीं देती? देखो, मैंने ये बात कही नहीं कि बीजेपी नहीं देती रहती है, जिसको भी प्रधानमंत्री बनना है उसको करना पड़ेगा ये। अब बीजेपी के उसकी क्या बात आ गई है? वो कर रहे हैं, बीजेपी वाले कर रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं लोगों को, कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, 15-15 लाख का लालच दे रहे हैं, हिंदू मुसलमान करा रहे हैं, कब्रिस्तान और शमशान करा रहे हैं, पाकिस्तान हिंदुस्तान कराते हैं, मंदिर बनवा रहे हैं। तो उनकी राजनीति है, हमारी अपनी आइडियोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करें ना, हमारी आइडियोलॉजी लड़ाई है। देखिए, मैंने फिर बोला, राजनीति में बहुत सारी बात की जाती है, राजनीति में ऐसा नहीं कि एक ही आप एक ही चीज को लेकर चलेंगे, राजनीति राजनीतिक रूप से की जाती है। आप राजनीति कर रहे हैं जैसे वो लोग करते हैं,
जब भी आप राज्य में बैठ सकते हैं, जब भी आप लोगों का भला कर सकते हैं, जब भी आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की सोच का भारत बना सकते हैं, जब भी आप आर्टिकल 21 फ्रीडम एजुकेशन फ्री कर सकते हैं, आप कर सकते हैं 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चे को स्टेट प्रोवाइड द फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, ये दे सकते हैं आप। एजुकेशन बहुत जरूरी है, जब लोगों को फ्री कंपलसरी एजुकेशन कर देंगे आप हर प्रकार के लोगों को, तो वो लोग पढ़ लिख कर अपना अच्छा बुरा जान जाएंगे, फिर उन पर कोई शोषण नहीं करेगा। आज हो क्या रहा है कि अच्छे अच्छे लोगों को पढ़ाई दी जा रही है, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं उनके बच्चे, पढ़कर IAS बनने, PCS बनने, डॉक्टर बनने, और शोषणकारी बन रहे हैं, और एक तो तबका बहुत बड़ा तबका है उस देश में मजदूर बन रहा है।